नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, 2010 के छत्तीसगढ़ सीएमओ के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आपको इसको देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र हम ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है? अनेकता में एकता, या इसको विविधता में एकता दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल संस्कृति है, संस्कृति की मूल विशेषता है विविधता में एकता, ये मेन चीज़ें हैं। अनेकता में एकता भी इसको कहते हैं, इसलिए असही है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। सूफीवाद इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है, गलत। सिख, यहाँ पर जो है सही उत्तर चुनना है बोल रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये सूफीवाद इस्लाम धर्म का ही है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु अर्जुन देव है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये। डी है, दक्षिण के बंदरगाहों से भारत में ईसाई धर्म आया, दक्षिण के बंदरगाहों से भारत में ईसाई धर्म आया, ये भी सही आंसर है। यानी कि अ और स जो है सही आंसर है, इसका मतलब डी सही है। तो आपको जो है इसी तरह से पढ़ना है, किसी के धर्म धार्मिक से संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है, कौन नहीं जानता है यार इसको, जो है लगभग सभी लोग जानेंगे। सुरकोटडा है, सुरकोटडा, कलिंगबंगन, लोथल, लोथल तो है ही, चहुदड़ो, आपको जो है समझना है। आपको देखिए यहाँ पर तीसरा जो है क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में जो है आपका जो है हमेशा ध्यान रखना है, ये अ अ तो बिल्कुल सही है, सुरकोटरा, ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है, लोथल भी है भाई, स भी है, स भी है, अ और स जो है दोनों है, अ और स दोनों है ये। यानी कि सिंधु घाटी समय में सुरकोटरा है और चहुदड़ो है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। ये एक दूसरे के समकोण काटते हुए ईंटों की पक्की सड़कें हैं, ये बिल्कुल निचली भाग के सभी मकान एक जैसे आकर के, बिल्कुल गलत है ये, यही आंसर सही होना चाहिए, सत्य नहीं है ये। ऊंचे भाग में स्नानगार महल बने हुए, ये तो था, नगर के सभी ओर पर कोटा बना हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये आपका जो है ब आंसर जो है सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित में से किस नगर में अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्राप्त हुआ है उसका आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए। ये कालीबंगन में अग्नि कुंड पाया गया है, कालीबंगन का सही आंसर है। लिखित में से किस स्थान में सर्वप्रथम 1857 की सिपाही विद्रोह हुआ था, कौन नहीं जानता है इसको भैया, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते होंगे। छठवां का जो सही आंसर क्या है, ठीक है, ये बैरकपुर में हुआ था, मेरठ में नहीं हुआ था, कानपुर नहीं हुआ था, बैरकपुर में हुआ था, क्योंकि मेरठ के पास में ही बैरकपुर है। कथा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, और कारण नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की सिफारिश की गई थी। यहाँ पर जो है आपको ये कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ये नेहरू रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था जो 26 जनवरी 1930 को जो है इसको आज़ादी की सबसे पहले आज़ादी मनाई गई थी, यही तो था, लेकिन कारण सही स्पष्ट नहीं है ये, तो इसलिए जो है कौन सा सही होगा, स सही होगा। कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी और संगठन सम्मिलित है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सरदार भगत सिंह किससे संबंधित है, सरदार भगत सिंह किससे संबंधित है आपको बता रहा है। यहाँ पर जो है कौन सा जोड़ी संगठन है बोल रहा है, ये भगत सिंह का जो है वंदे मातरम नहीं है, सावरकर जी का अभिनव भारत, बिल्कुल सही आंसर है, ये भी आंसर सही होना चाहिए। मोपला किसान विद्रोह किस प्रांत में हुआ था, ये तो कौन नहीं जानता है यार, इतना सरल क्वेश्चन दिया हुआ है, केरल का है ये मोपला किसान विद्रोह। 1878 नवासी के रामोसी जनजाति विद्रोह, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपको जो है सही आंसर बताना है। तो ये जो है वासुदेव बलवंत फड़के जो है 1878 नवासी के रामोसी जनजाति विद्रोह का नेता था,
ध्यान रखना है आपको जो है, ठीक है। मार्च 2010 के बजट सत्र में विपक्ष के विरोध के कारण यूपीए सरकार लोकसभा में लिखित में से कौन सा विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकी, यहाँ पर जो है 11 का सही आंसर आपको ढूंढना है। तो महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सका था, अभी प्रस्तुत कर सका है लेकिन पारित नहीं हुआ है। भारत सरकार लिखित संस्थान संगठन बंगलुरु में स्थित है, क्या बंगलुरु में स्थित है तो आपको जो है समझना है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जो है बंगलुरु में स्थित है, ये जो है ब भी है, स भी है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, भारतीय खगोल संस्थान, तीनों है लेकिन राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला बंगलुरु में नहीं है। 13 लिखित में से कौन सा सुपरसानिक क्रूज इस्माइल भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से 2007 में विकसित किया गया, यहाँ पर जो है 13 नंबर आंसर आपको पता करना है। ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस दोनों के द्वारा किया गया था। दिसंबर 2009 में निम्नलिखित में से किस स्थान में ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ, कौन नहीं जानता है यार, ये बहुत सरल सा प्रश्न है। ये कोपेनहेगन में हुआ था 2009 में, दिसंबर में कोपेनहेगन में, सी आंसर सही है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देश के आर्थिक विकास को प्रोन्नत करना, आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना, ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय आय के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना। ये है थोड़ा सा समझने वाली बात जो है आपको सही आंसर, जो आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना ब आंसर सही है। 1991 की भारत की औद्योगिक नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन चुनना है आपको जो है, सही ऑप्शन चुनना है। औद्योगिक लाइसेंसों में छूट बिल्कुल सही है, सीधे विदेशी निवेश ये भी सही है, प्रमुख उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण ये भी सही है, लेकिन तकनीकी हस्तांतरण गलत आंसर है इसलिए असदा सही है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की नीति प्रारंभ की थी, उदारीकरण की नीति प्रारंभ की थी बोल रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीवी नरसिंहा राव ने किया था। कथनों को पढ़िए, सीधे विदेशी निवेश उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, विदेशी निवेश रोजगार के रास्तों को उन्नत करता है और कर रहा है, विदेशी निवेश गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करता है, यहाँ पर जो है ये अ ब दोनों सही है, अ और ब दोनों सही है। कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार का अवसर प्रदान करता है, कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोजगार का अवसर प्रदान करता है, 25 का आंसर जो है आपको देखना है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है अवसर ज़्यादा प्रदान करता है। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको तो आपको समझ आना चाहिए, बहुत सरल सा सह्याद्री कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है, कथन है, मानसूनी हवाएं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी कारण जो है ज़बरदस्त है यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है कथन सही है कारण गलत है। भारत के किस क्षेत्र को सौर ऊर्जा परियोजना के लिए चुना गया है, बंगाल की खाड़ी, थार मरुस्थल ये इम्पॉर्टेंट है, डी ब और दस जो है दोनों सही है। भारत में हरित क्रांति की लिखित विशेषताएं हैं, 38 नंबर क्वेश्चन जो है, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है अ ब ये स सही गलत है, उसके बाद सब ठीक है, बड़े फार्मों का विकास गलत है, उसके बाद तीनों सही है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण वित्त तथा विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, नाबार्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर 1982 को किया गया था। भारत सरकार की ग्रामीण विकास की नीतियों में लिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, 40 को आपको देखना है, कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि उपज गारंटी योजना, सी सही है। कौन चारों ग्रेड स्लैम का विजेता नहीं है, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, ये पीट संप्रास नहीं है। विश्व कप फुटबॉल 2010 में उपविजेता टीम है, तो ऐसे भी आपको याद करना है, अभी जो हुआ था विश्व कप फुटबॉल तो उसका विजेता और उपविजेता दोनों को याद करना है, कौन किसको हराया था इसको आपको जो है याद कर लेना है। ये नीदरलैंड जो है
था। कॉमनवेल्थ पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में निम्न भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यहाँ पर जो है ध्यान देना है आपको, जो है विक्रम अ ब और द, सच है विक्रम भटनागर नहीं है इसका आंसर। इसी तरह से आपको सॉल्व कीजिए बन जाएगा, आपको एक बार अध्ययन करेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। थैंक यू, नमस्कार।